हाय एवरीवन दोस्तों, सांभर वड़ा खाना किसको पसंद नहीं होता, लेकिन इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे मैं आप 15 से 20 मिनट में ही सांभर और वड़ा दोनों ही चीज़ों को बना करके तैयार कर लेंगे, और साथ ही में उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट वड़े बनेंगे, उतने ही स्पॉन्जी बनेंगे, सांभर भी हमारा उतना ही टेस्टी बनेगा। वन पॉट सांभर की रेसिपी मैं आज आपको देने वाली हूँ। कभी भी आपको जल्दी हो, डोसे के लिए या इडली के लिए अगर आपको सांभर बनाना हो तो आप बना सकते हैं। और यहाँ पर आप मेंदू वड़ा की सॉफ्टनेस देख सकते हैं, इसका स्पॉन्जनेस देख सकते हैं कि हमने कितना ज्यादा स्पॉन्जी बनाया। इसको बनाने में आपको ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है एक कुकर। कुकर में हम डालेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल, और ऑयल को यहाँ पर हम लोग गर्म होने देंगे। यहाँ पर आप ऑयल की जगह पर घी का यूज भी कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी मात्रा में राई के दाने यानी कि मस्टर्ड सीड, साथ ही में हम डाल देंगे थोड़ी सी पिसी हुई अदरक। आप यहाँ पर अदरक लहसुन दोनों का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ करी पत्ते भी इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ ही में 2 हरी मिर्च को मैंने इसे लंबा लंबा चॉप करके ले लिया है, वो डाल दिया। अब यहाँ पर 1/2 कटोरी जितना अरहर की दाल को मैंने यहाँ पर भिगोने के लिए छोड़ दिया था लगभग 1/2 घंटे के लिए, तो वो अच्छे से भीग करके तैयार हो गई है। अब हम इसमें से कुछ वेजीज ऐड करेंगे। तो सब्जी आप अपनी पसंद से कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा लौकी को टुकड़ों में कट करके ले लिया है, थोड़ी सी गाजर ली है, थोड़ा सा टमाटर को चॉप करके ले लिया है, और साथ ही में कुछ आलू भी मैंने कट किए थे, उसको मैंने पानी में भिगो करके रख दिया जिससे कि वो काले नहीं पड़ेंगे। पूरा पानी निकाल करके हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। सब्जी आपको जो भी पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, वो आप ऐड कर दें। हाँ, लेकिन सांभर में लौकी का टेस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, तो अगर आपके पास लौकी हो तो वो आप जरूर ऐड करें। अगर ना हो तो आप उसके बिना भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी सारी सब्जियां इसमें रफली चॉप करके ऐड कर दी है, और साथ ही में हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, और तीखेपन के लिए इसमें डाल दी है लाल मिर्च का पाउडर। अपनी पसंद के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम या ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने व्हाइट सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया। हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड नहीं किया है, आप चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डाल दिया इसमें सांभर मसाला। ये हमारा होममेड सांभर मसाला है, घर पर ही मैंने बनाकर तैयार किया था, और इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से मार्केट से भी अच्छा सांभर मसाला हमने बना करके तैयार किया था, उसको बना करके लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो सारे ही मसालों को, सब्जियों को एक बार पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे पानी। तो जितनी हमने दाल ली थी ना, उसका 2.5 गुना हमें इसमें पानी डालना है, क्योंकि सांभर ना थोड़ा सा लिक्विड ही अच्छा लगता है। अगर ज्यादा गाढ़ापन होता है तो उसमें मजा नहीं आता, और वड़े के साथ में तो सांभर थोड़ा और भी पतला चाहिए हमको, तभी उसका टेस्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा आता है। पानी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2.5 कटोरी जितना मैंने पानी इसमें मिक्स किया था, जिस कटोरी से हमने दाल ली थी। अब इसमें ढक्कन लगाकर लगभग 3 सीटियां आने देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। 3 सीटियों के बाद में चेक कर लेंगे, अगर नहीं पका होगा तो हम और पका लेंगे। अब वड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 1/2 कटोरी जितना उड़द की दाल जो होती है वो ली है। अब इस दाल को या तो आप धो करके फिर सुखा दें, या फिर आप कपड़े से अच्छे से इसको पोंछ लें। तो मैं इस कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ लेती हूँ, और उसके बाद में एक मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें हम अपनी दाल को डाल देंगे। इसमें हमें दाल को भिगोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी ये वड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। थोड़े से उसमें हमने डाल दिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर का आपको यूज नहीं करना है, बेकिंग सोडा का हमें यूज करना है। और अब हम इसको ग्राइंड करके एकदम फाइन पाउडर बना लेते हैं इसको पीस कर। और ये देखिए, हमने इस तरीके का फाइन पाउडर इसका बना लिया है। मैं आपको एक बार आपको टच करके दिखाती हूँ कि ये देखिए, इस तरीके का एकदम फाइन पाउडर बन गया है। अगर आपको लगता है कि फाइन पाउडर आपका नहीं बन पा रहा है, तो आप इसको कपड़े से छान लें या फिर स्ट्रेनर से इसको स्ट्रेन कर लें, जिससे कि जो भी मोटे पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो है हमारा वड़े का प्रीमिक्स बनकर के तैयार हो गया है। आप इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर करके रख लीजिए, 6 महीने तक भी बिल्कुल खराब नहीं होगा। और अगर आप इसको बाहर स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़े से करी पत्ते ऐड कर दीजिए, और उसके बाद में आप इसको बाहर भी स्टोर करके सकते हैं, नहीं तो आप फ्रिज में इसको स्टोर कीजिए, 6 महीने तक भी खराब नहीं होगा। तो चलिए इससे आप वड़े कैसे बनाने हैं वो भी देख लेते हैं। तो पूरे प्रीमिक्स को हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं, और इसी के साथ में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा साबुत जीरा, थोड़ा सा हींग का पाउडर, और इसके अलावा हमने स्वादानुसार इसमें नमक ऐड कर दिया है। साथ ही में डाल देंगे थोड़े से कटे हुए करी पत्ते और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाएगा हमारे वड़े के साथ में। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका बैटर बनाना है। तो जो बैटर हमें बनाना है वो थोड़ा गाढ़ा ही बनाना होगा, बहुत ज्यादा पतला बैटर इसका नहीं रखना है, नहीं तो वड़े बनाने में फिर बहुत ज्यादा परेशानी आती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके पहले हम थोड़ा गाढ़ा बैटर बनाएंगे, बाद में जब वो फूल जाएगा ना तो उसके बाद में फिर हम और सी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, पहले स्पून की सहायता से मिक्स कर लेते हैं और फिर हाथों की सहायता से इसका आटा गूंद लेंगे। तो देखिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी रखिए, एकदम डो का जैसा ही ये लग रहा है, बस ऐसा ही आपको फिलहाल बना करके तैयार करना है। और अब हम इसको ढक करके छोड़ देंगे। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ढककर लगभग 30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, और अगर टाइम नहीं है तो आप सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि तो दाल हमने पीसी है ना, उसके पार्टिकल्स होंगे, उनको थोड़ा सॉफ्ट करना जरूरी होता है। तो क्योंकि दाल हमने फुलाई नहीं है, तो 10 मिनट के लिए तो उसको लगभग छोड़ना ही होगा, जिससे कि दाल के पार्टिकल्स फूल जाएंगे।
यहाँ पर हमारे सांभर भी बनकर तैयार हो चुका है। इसका प्रेशर निकल गया है कुकर का, 3 सीटी के बाद हमने बंद कर दिया था, प्रेशर पूरी तरह से खत्म होने दिया है और उसके बाद में हमारा इंस्टेंट सांभर बनकर के तैयार हो गया है 1 पॉट। और ये देखिए सारी सब्जियां हमारी इस तरह से मिक्स हो गई है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सब्जियां खड़ी पसंद है इसमें, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए या फिर आप सब्जी अलग से बॉईल कर लीजिए और उसके बाद में इसमें मिक्स कर दीजिए। लेकिन क्योंकि सांभर के साथ में सब्जियां अगर पिसी हुई हो, थोड़ी सी चर्न हो, तो वो ज्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं इसमें एक चर्नर की सहायता से इसको अच्छे से चर्न कर लेती हूँ सारी सब्जियां, जिससे कि इसमें बढ़िया से मिक्स हो जाएंगी और उसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा हमारे सांभर के साथ में। तो सिर्फ 5 से 7 मिनट में हमारी सांभर बनकर तैयार हो गई है और लास्ट में इसमें हम ऐड कर देंगे तो मेरे पास यहाँ इमली की खट्टी मीठी चटनी है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। मैं हमेशा बना करके फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इमली का पल्प ऐड कर दीजिए। इमली का पल्प ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दीजिए, तो सभी का फ्लेवर एक जैसा ही आएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। इमली का पल्प बनाने के लिए आप इमली को थोड़े से गर्म पानी में भिगो दीजिए और उसको मसल करके उसको छान लीजिए, तो आपका इमली का पल्प बनकर के तैयार हो जाएगा। वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। खटाई और जो हल्का सा मिठास इसमें आती है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है हमारी सांभर के साथ में। और इस टाइम पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है, हमने 2.5 गुना पानी डाला था। अगर आपको लगता है कि आपको इससे भी थोड़ा पतला पसंद है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी गर्म पानी करके ऐड कर दीजिए या फिर पानी डाल करके इसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए, तो आपका सांभर एकदम परफेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, ऐसा ही पसंद है, तो हम इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। तो बस अब हम इसमें डाल देंगे लास्ट में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से बढ़ जाएगा। और आपने देखा कितनी आसानी से हमारा ये सांभर बनकर के तैयार हो गया। जितनी देर में हमने डो लगाया था ना, जितनी देर में हमने बैटर बनाया है हमारे वड़े का, तब तक हमारी सांभर भी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब बढ़ते हमारे वड़ों की तरफ। तो लगभग लगभग मुझे 15 मिनट हो गए हैं और ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है, थोड़ा चिपक रहा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। इतना गाढ़ा हमें नहीं रखना है, लेकिन एकदम लिक्विड नहीं होना चाहिए। कैसी होगी कंसिस्टेंसी वो मैं आपको अभी वीडियो में दिखा दूंगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको आप इस तरीके से मिक्स कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ ना, अच्छे से, ताकि इसके एक एक कण में पानी चला जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाए। बस इस तरीके का आपको इसको बनाते जाना है। तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है, बहुत ही आसानी से ये बन गया है। और ये देखिए इस तरीके से हल्का सा चिपक रहा है, बस ऐसा ही चाहिए, एकदम लिक्विड ही नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक ये कटोरी ले ली है स्टील वाली, मैं आपको तरीका बता देती हूँ किस तरीके से आपको बनाना है। और एक कपड़े से हमने इसको बैक साइड पर कवर कर दिया, ये देखिए इसका जो बैक साइड है कटोरी का, उसकी तरफ से हमने इसको कवर कर दिया है। और इसको नीचे की तरफ से घुमाते हुए हम इसे ट्विस्ट करेंगे और इसको एकदम टाइट कर लेंगे यहाँ पर। अब इस कपड़े के ऊपर लगाएंगे हम थोड़ा सा पानी, इसको अच्छे से गीला कर लेंगे, हाथों पर भी थोड़ा सा पानी लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा बैटर है ना, उसको हम पहले हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे। आप देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए बढ़ेगी, इससे ज्यादा लिक्विड होगी तो फिर वो बन से ठीक से बनेगा नहीं और उतने ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी नहीं बनेंगे। अब कटोरी पर रखकर हाथ गीले कर हम इसकी शेप देंगे, बहुत ही आसानी से इसकी शेप बन जाएगी। और बिल्कुल बीचों बीच हम इसके मिडिल में यहाँ पर एक होल बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से एक थंब की सहायता से, फिंगर की सहायता से इस तरह से होल बनाएंगे। दूसरी तरफ आप अपने ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दें, ऑयल काफी अच्छा गर्म होना चाहिए जब हम वड़े उसमें डालेंगे, तो ऑयल को पहले ही गर्म होने के लिए रख दें। तो यहाँ पर हमारा ऑयल भी काफी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम वड़े को बस कटोरी को उल्टा करेंगे और हमारा वड़ा बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और इसको हम ऑयल में इस तरह से डाल देंगे। यहाँ पर आपके ऑयल का टेम्परेचर बहुत डिपेंड करता है कि आपके वड़े कैसे बनेंगे। आपने देखा जैसे हमने वड़ा डाला उसमें अच्छे से झाग आने लगे हैं, यानी कि आपका ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। अब यहाँ पर या तो आप इस तरीके से बना ले कटोरी से, या फिर आप हाथ से भी इजीली बना सकते हैं। ये देखिए पानी लगाया दोनों हाथों में और उसको अपने दूसरी हथेली पर इस तरह से फैला लिया, ये देखिए, और बीच में होल बनाया। दोनों साइड से आप होल बना ले जिससे कि दोनों तरफ से इक्वल हो जाएगा और ये काफी अच्छा होल इसमें बनकर तैयार होगा। ये देखिए इस तरीके से हमने इसका बना लिया शेप, पीछे की तरफ से भी हम डाल देंगे अपना थंब। और ये देखिए इस तरह भी इसको भी ऑयल में डाल देंगे हम लोग। और ये देखिए कितना बढ़िया बन रहा है हमारा ये। इसको बनाना बहुत आसान है, आप चाहे तो कटोरी से बना लें या फिर आप इस तरह से हाथ से भी बना सकते हैं। तो मीडियम हाई फ्लेम पर ही आपको इसको पकाना है, लो मीडियम नहीं रखना है, हाई फ्लेम पर आप इसको पकाइए, तो अब आपके वड़े एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। अगर आप लो पे रख देंगे तो ये बहुत ज्यादा ऑयल पी जाएंगे और फिर क्रिस्पी से हो जाएंगे और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं बन पाएंगे, अंदर से स्पॉन्ज नहीं आ पाएगा। तो बस अलटते पलटते हम दोनों को ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जो पहले सिक जाएगा वड़ा उसको निकाल लेंगे। और आपने देखा कितना अच्छे से ये फूला है, साइज देखिए कितना बढ़ गया है इसका, दिखने में ही लग रहा है कि कितना ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना होगा। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, बाकी के सारे वड़े भी हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। पूरे वड़े हम इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। फ्लेम आपको ध्यान रखना है, हाई रखनी है, हाई फ्लेम पर ही आपको इनको फ्राई करना है, फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है।
तो ये देखिए हमारा सांभर वड़ा बनकर के तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट। बहुत ही आसानी से सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपका पूरा नाश्ता अच्छे से बनकर के तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर दो वड़े सांभर के साथ में सर्व कर दिए हैं, कुछ वड़े मैंने ऐसे ही रख दिए हैं। आप इसके साथ में नारियल की चटनी या फिर मूंगफली की चटनी भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास नारियल नहीं है तो सूखे नारियल से आप चटनी कैसे बना सकते हैं, मैंने अपने चैनल पर इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक वड़ा आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि कितना ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाए। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी, ये देखिए ऐसा ही होता है ना। जब ये वड़े आप सर्व करेंगे ना तो कोई ये देखकर नहीं कह सकता कि आपने इसको बिना दाल भिगोए सिर्फ 15 मिनट में ही बनाकर तैयार कर लिया, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी। ये देखिए परफेक्ट हमारा सांभर वड़ा बनकर के तैयार हो गया है। सांभर देखिए वन पॉट सांभर में की रेसिपी मैंने आपको दी है और वड़े हमने इतनी आसानी से बना लिए हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने ये इतनी आसानी से बना लिए हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर दें। मैं ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके लिए लाती रहती हूँ और आपको कौन सी रेसिपी चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर से मिलेंगे एक नए कमाल के वीडियो के साथ में, तब तक बाय, थैंक यू।